बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनोखे किस्म के बर्गर बनाने लगा था जो नए स्टाइल के होंगे इंशाल्लाह, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये उबला हुआ गोश है, उसके मैंने रेंदे रेंदे कर दिए इस तरह करके, तमाम गोश के उबला हुआ है, गाय का गोश है, उसके रेंदे रेंदे कर दिए जनाब इस तरह। इस तरह जनाब दोनों हाथों से कि फटाफट हो जाए, फुल टाइम उबला हुआ है, अच्छी तरह से उबला हुआ। तो ये उबला हुआ गोश्त थोड़ा सा और लूँगा, लेने के बाद जनाब ये आदमी हमारे पास जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं दिखा दूँ। हमें बन चाहिए होंगे, ये दो बन लिए मैंने, ये उबला हुआ गोश्त जिसको रेजे रेजे कर लिया, ये जनाब अली क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ या स्लाइस चीज़ आपको चाहिए होगी, ये बटर है, और जनाब ये मायनीज है, ये जो है ये क्रीम दही है, दही किस्म का क्रीम है, और इसमें क्रीम है आप समझें इसको, ये क्रीम है दूध का समझें, और इसके अंदर ही मैं इसका मटेरियल तैयार करूँगा। और ये टमाटर है जिसको कतले बना के रखे, ये प्याज कतले, आधा एक नींबू का टुकड़ा है, नींबू का टुकड़ा है, ये गाजर है कीस ली, कद्दूकस कर लिए, ये जनाब अली खीरा है कद्दूकस कर लिए, ये मस्टर्ड, ये मस्टर्ड ये वाला है मस्टर्ड हनी है जो अक्सर बिस्तर इस किस्म के खानों में इस्तेमाल होता है, और ये हरी मिर्चों की चटनी तेज़ वाली, मैं हॉट बनाऊँगा इसको, मुझे तेज़ पसंद है, आपको चाहे तो तेज़ भी बनाइए कभी या नहीं बनाइए। तो हम इसको क्रीम को अपनी तैयार करते हैं, मेरा ख्याल है क्रीम को मैं आपके सामने करूं। क्रीम का प्याले को मैंने सामने किया ताकि इसमें हम अपना मटेरियल तैयार करेंगे और इसको डायरेक्ट इसमें यूज़ करेंगे। मैं इसके अंदर डालूँगा जनाब ये मस्टर्ड है, हनी मस्टर्ड है, ये डालूँगा, और जनाब हरी मिर्चों की तेज़ चटनी, बिल्कुल तेज़ है, बहुत हॉट है, इसमें छोटी सी हरी मिर्च तली हुई भी काट के डाली हुई चटनी बनाई है। चटनी में हरी मिर्चें, नमक है और गार्लिक है यानी लहसुन है, ये थोड़ा सा आधा गाजर या एक गाजर का टुकड़ा, इसको भी हमने डाल दिया, ये जनाब खीरा हसबे आपकी आदत, खीरा भी डाल दिया। अब हमें इसके अंदर चीज़ भी डाल देंगे, ये जनाब क्रीम चीज़ है, मैं साफ कर लूँ उसे, इसी को इस्तेमाल कर लेंगे, ये क्रीम चीज़ है भूख की, इसको एक चम्मच उस क्रीम में, दूध की क्रीम में, दूध का क्रीम बना बनाया मिलता है ना जो पैकेट्स में हर एक कंपनी का मिलता है, भूख वगैरह का बहुत अच्छा था, वो ले लिया, उसी के अंदर डाल दिया मैंने, और टमाटर के कतले छोटे छोटे किए हुए जो क्यूब है वो भी डाल दिए, थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा, थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे ताकि नमक की कमी नहीं। तो ये हिमालिया सॉल्ट है, हिमालिया सॉल्ट थोड़ा सा डाल देंगे, मैं हमेशा हाथ से निकाल के डालता हूँ क्योंकि ये नमक अक्सर बिस्तर गिर जाता है, थोड़ा सा डाल दिया मैंने जना सॉल्ट डाल दिया। अब इनको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी इसमें अगर नींबू भी डाल दिया जाए दो चार कतरे तो ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। फिर इसको हम चख के देखेंगे, नींबू बहुत पतला सा कतला, दो चार कतरे, छः आठ कतरे ये भी डाल दिए मैंने, अब इसको मिक्स कर देते हैं।
लीजिए जनाब, मटेरियल हमारा तमाम यार। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। तो हम प्याज का ले जाएंगे, अपने टमाटरों का ले जाएंगे, गोश्त का साथ ले जाएंगे और चूल्हे भी जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हा ऑन करने के बाद फ्राई पैन रखेंगे, दूसरी तरफ वो दूसरा फ्राई पैन बड़ा वाला रखा है, उसके बाद में इसके पहले गोश्त को हम थोड़ा सा तल लें, उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल, एक आध चम्मच खाने का, दो चम्मच तेल, फ्राई पैन पर पूरे पूरे पे घुमा लेंगे ताकि किसी जगह पे चिपके नहीं। ये मेरा जो पुराना फ्राई पैन है बहुत काम का है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें रोटियां मैं ना गर्म करता हूँ, बहुत मज़ा आता है। यहाँ तक कि कभी कभी मूड होता है तो तवे पर ही इसी में रोटी पकाए। और तेल होने गर्म होने के बाद इसमें थोड़ी सी प्याज को तल कर डाल दी है मैंने। ये प्याज जो है इसको चिपकने नहीं दी गोश्त को, और गोश्त में दे दी। तो ये प्याज जब तक गर्म होती है मैं टमाटर थोड़े से कोतर लूँ। प्याज के बाद टमाटरों की बारी है। प्याज थोड़ी हल्की सी लाल होनी शुरू, उस वक्त प्याज टमाटर डाल थोड़ा सा पानी, एक खाने का चम्मच पानी, ताकि कीड़े जले और इसको पानी। और इसको हल्के से हवा में इसमें गोश्त डालते हैं, जिस गोश्त से हमने धीरे धीरे की उनको मजीद आप चाहे तो इस तरफ। ये जो गोश्त है ये कीमे से ज़्यादा मज़ा देता है, याद रखिए गाय का उबला हुआ गोश्त है, कीमे से ज़्यादा मज़ा देता। दोनों हाथों से अल्लाह की हम जो समय के साथ बरकत होती है जो बस जनाब थोड़ी सी एक हाथ दो मिनट में ये हमारा गोश्त तैयार। इसको थोड़ा सा नमक डाल देते गोश्त तैयार और बरकत तैयार। ये हमारी सब्जी, मैं हमारी सब्जी करता हूँ और सादा सब्जी थोड़ा सा नमक डाल देते आप चाहें तो इस नमक की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मगर मुझे इतना पसंद नहीं इस मामले में। लीजिए जनाब हमारा मटीरियल तैयार। अब हम इसको असेंबली की तरफ जाते हैं, पहले डबल रोटियों को सेक लें उसके बाद चलते हैं। अब ये दूसरे फ्राई पैन पे थोड़ा सा, ये ज़रूरी नहीं है ये वाला फ्राई पैन, आप किसी भी फ्राई पैन में कर सकते हैं, थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि चुपके नहीं, इस पर चुपके नहीं, थोड़ा सा बटर लगा ताकि डबल रोटी इस पर चुपके नहीं। मैंने बटर लगा दिया जना, और जना बन जो है इस पर सिकाई के लिए रख दी, चाहे एक एक करके चाहे दोनों साथ। एक तरफ होने के बाद प्लेटिंग एक तरफ हो गए, इस
इसके बाद पलटेंगे, जब एक तरफ हो गए तो दूसरी तरफ। इसकी जो लाइनें पड़ती हैं ये भी खूबसूरत लगती हैं। अब हमारे बम जो है दोनों तरफ बटरिंग हो गई और सिकाई हो गई। अब हमें समृद्धि के साथ चलते हैं। आइए इजी बर्गर इसको हम असेंबल करते हैं। निचला हिस्सा रखेंगे, फिर जो हमने मटेरियल बनाया था इसमें प्याज है, टमाटर है और जनाब आली क्रीम चीज़ है वगैरह वगैरह, हरी मिर्च की चटनी, इस पर एक चाहे तो जो अगर आपको दिल करे तो एक प्याज, एक टमाटर, एक खट्टा मटर और जनाब आली। अब इसके ऊपर हम अपना बनाया हुआ मटेरियल, बेहतर ये है कि टमाटर से पहले हम मटेरियल रखें क्यों गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये अपना बनाया हुआ जो गोश्त के जो टुकड़े थे जिसको हमने बनाया था, ये भर के जितना आप रख सकते हैं रखेंगे। अब टमाटर रख दें, टमाटर भी रख दिया क्योंकि आपके ये ऑप्शनल है सारी चीज़ें, आपका दिल करे तो टमाटर रखें, आपका दिल करे तो प्याज रखें, पूछ लें खाने वाले से कि भाई टमाटर चाहिए, बोले यस तो फिर रख दें। और मैं क्योंकि चीज़ का भी शौकीन हूँ तो मैं बर्गर की चीज़ लाया था, ये एडम्स की बर्गर की चीज़, इसका एक स्लाइस भी रखूँगा, एक स्लाइस इसके ऊपर रखूँगा। लीजिए जनाब ज़बरदस्त किस्म का हमारा बर्गर, माशाल्लाह तबारकल्लाह। आप इसके अंदर आप चाहें तो सलाद भी रख सकते हैं, आप चाहें तो जो बाहर के मुल्कों में अंडा रखते हैं हाफ फ्राई या एग रखते हैं और उसको ऐसा रखते हैं दबाते हैं तो एग सारा निकल नीचे भी कट जाता है। ज़बरदस्त किस्म का, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ये इजी टाइप का मैंने बता दिया है कि हर चीज़ को एक साथ मिला के आप रख दीजिए, और चाहे तो डबल रखिए, सिंगल रखिए, टमाटर रखिए, प्याज रखिए और सैलेड रखिए। और मैं तो हॉट सॉस का भी शौकीन हूँ तो मैं इस पर हॉट सॉस भी थोड़ा सा अंदर भी डालूँगा और थोड़ा सा ऊपर भी डालूँगा, हॉट सॉस, हॉट चिली सॉस। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है मेरी दुआओं में याद रखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, आपकी मर्ज़ी कर लीजिए। शुक्रिया।